इधर धनबाद लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी अनुपमा सिंह ने बोकारो के मोड़ के पास बिरसा आश्रम में आयोजित झारखंड क्रांतिकारी मजदूर यूनियन के कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने ठेका मजदूरों से संवाद किया। मौके पर अनुपमा सिंह ने कहा कि धनबाद लोकसभा मजदूरों का शहर है, ऐसे में ठेका मजदूरों की आवाज बनने का काम करूंगी। साथ ही कहा कि धनबाद में ठेका श्रमिक डर के साए में काम करने को विवश हैं, कब उन्हें हटा दिया जाता है उन्हें पता नहीं चलता, ऐसे में उनके लिए स्थायी नौकरी उपलब्ध कराना गठबंधन का उद्देश्य है। वहीं यूनियन के महामंत्री डीसी गोहाई ने अनुपमा सिंह को समर्थन देने का ऐलान किया है। देश का तमाम प्रतिष्ठान हो कल कारखाना में रीर है, क्योंकि पूरे देश में वही है, अस्थायी जॉब के जगह ठेका मजदूर से काम कर रहा है। 50 करोड़ लोगों का बदलाव के लिए नया कानून, नया दिशा, नया उनके बारे में सोचने का अगर इरादा है तब हम मजदूर वर्ग को भी एक नई तरीके से सोच बताना पड़ेगा, हम सोचेंगे। मजदूरों ने, ठेका मजदूरों ने अपनी जो समस्याएं रखी है, मैंने पहले भी उनको आश्वस्त किया है कि मैं उनकी आवाज बनूंगी, और जिस तरह से उन्हें परमानेंट नहीं किया जाता है, उनका कोई फ्यूचर नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है, कुछ दिन काम करा के फिर उन्हें बैठा दिया जाता है, ये बहुत ही पहले ऐसा नहीं होता था। यही हम लोग इसी पे मंथन हम करते हैं और सोचते हैं कि लोग, सरकार का काम है कि आप अपने मजदूरों को, खासकर जो मजदूर वर्ग है, उन्हें सर्वप्रथम। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।